Hello students, today we will discuss about the fundamental unit of life. What is the meaning of fundamental? Fundamental means basic and important. Basic and important unit of life. What is life? The living creatures, living organisms that are present on earth, that are surviving, that are living. And the answer is the fundamental unit of life is cell. What is cell? Cell is the structural and functional unit of life. Each and every function is performed by cell. Cell derived from the Latin word that means little room, that is a little space. Cell was first observed by Robert Hooke with the help of cork. Cork, that is lakdi ka jo tukda hai, that is having dead cells were observed by Robert Hooke. What is cork? Cork is a substance which comes from the bark of tree. Bark means jo ped ki chhal hoti hai, usse jo hai derived kiya gaya hai, that is cork. This bark in cork has dead cells. So it is important ki first time it was because of Robert Hooke, the discovery of cell took place. Then in the cork, he examined the cells are like the honeycomb. जैसे मधुमक्खी का छत्ता होता है, इस तरीके से ऑब्जर्व किया उन्होंने कि जो कॉर्क के सेल्स हैं दे वर जस्ट लाइक द हनीकॉम्ब, जैसे मधुमक्खी का छत्ता होता है. नेक्स्ट, बिफोर वी प्रोसीड टू द एक्टिविटी, दैट इज एक्टिविटी डिस्क्राइबिंग द सेल्स ऑफ अनियन पील, वी विल जस्ट एंड टेक एन ओवरव्यू कि हमारा माइक्रोस्कोप एक बेसिकली सिंपल योर कंपाउंड माइक्रोस्कोप का स्ट्रक्चर क्या होता है. ठीक है, देयर इज अ आईपीस. आईपीस नाम क्यों है इसका? इट इज अ स्ट्रक्चर ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप. आईपीस दैट इज नियर आई, हम उस वहां पर अपनी आई को प्लेस करके ऑब्जर्व करते हैं. देन देयर आर टू टाइप ऑफ एडजस्टमेंट्स, कोर्स एडजस्टमेंट एंड फाइन एडजस्टमेंट. दिस इज आर्म to hold the microscope. इसको इस तरीके से हम hold करते हैं. This is body tube, okay? And there are objective lens. Objective lens that is near object. Object. यहाँ पर हमारे specimen slide रखी जाती है for the observation. When we are observing a slide or any temporary or permanent slide. This is the stage जहाँ पर स्लाइड को रखा जाता है. एंड हेयर देर इज अ मिरर एंड फ्रॉम हेयर देर विल बी लाइट सोर्स एंड देर विल बी रिफ्लेक्शन एंड लाइट विल पास थ्रू दिस. ओके, एंड फ्रॉम आईपीस यू कैन सी योर स्लाइड एंड दिस इज द बेस. नॉर्मली कोर्स एडजस्टमेंट एंड फाइन एडजस्टमेंट्स आर यूज्ड for the magnification to adjust the microscope so that we can observe the slide under the microscope. Okay, now activity. In this activity we will take onion bulb. Onion bulb जो प्याज होता है हमें वो लेना है. And after that we will peel off, उसको प्याज को हम छील देंगे. Okay, next that कट इट इन टू द स्मॉल पीसीस, प्याज को स्मॉल पीसीस में कट कर देना है. एंड आफ्टर दैट वी विल रिमूव द एपिडर्मिस. वॉट इज एपिडर्मिस? इट इज द आउटर मोस्ट लेयर, आउटर मोस्ट लेयर ऑफ सेल्स. एंड फ्रॉम विच साइड? कनकेव साइड ऑफ द अनियन. नाउ इफ यू टेक दिस, ओके, यू कैन सी हमने इस तरीके से अनियन को पील ऑफ कर दिया है. एंड वी हैव स्मॉल पार्ट ऑफ अनियन बल्ब. दिस साइड इज कनकेव, दिस साइड इज कन्वेक्स. आई थिंक इट इज क्लियर. दिस साइड इज कन्वेक्स एंड दिस साइड इज कनकेव. यू कैन ईजिली स्टडी लाइक
आपको याद करने के लिए बहुत ईजी है. केव माने क्या होता है, वट इज़ अ केव, गुफा, गहराई में. दैट इज दिस साइड इज कनकेव एंड दिस साइड इज कन्वेक्स. एंड फ्रॉम दिस साइड यू कैन सी एक बिल्कुल फाइन वाइटिश ट्रांसपेरेंट एक लेयर रिमूव होती है. दैट लेयर इज एपिडर्मिस. नाउ यू पुट इट इन द वॉच ग्लास. जो एपिडर्मिस को रिमूव किया है उसको हमें वॉच ग्लास में रखना है. वॉच ग्लास दिस इज अ ग्लास कंटेनर, स्मॉल ग्लास कंटेनर्स होते हैं जिसके अंदर दैट आर ट्रांसपेरेंट. और वी विल हैव टू फिल द वाटर इन दिस ग्लास, वॉच ग्लास. एंड वाई पानी में रख देंगे, क्यों? क्योंकि सो दैट इट विल नॉट ड्राई ऑफ. जो हमने एपिडर्मल लेयर को रिमूव किया है वो ड्राई ऑफ ना हो, वो आपकी फोल्ड ना हो. ठीक है, नाउ दैट टेक्स वन पीस ऑफ एपिडर्मिस फ्रॉम द वॉच ग्लास एंड ट्रांसफर ऑन द स्लाइड. दिस इज देयर इज अ ग्लास स्लाइड. उस ग्लास स्लाइड के ऊपर हम ट्रांसफर कर देंगे. ठीक है, बट बिफोर ट्रांसफरिंग दिस एपिडर्मिस वी विल पुट फ्यू ड्रॉप ऑफ वाटर ऑन दिस ग्लास स्लाइड. ग्लास स्लाइड के ऊपर हम फ्यू ड्रॉप्स वाटर डालेंगे, उसके बाद हम इसके ऊपर एपिडर्मिस का वन पीस रखेंगे. ओके, देन आफ्टर प्लेसिंग एपिडर्मिस दैट पील ऑफ अनियन पील, वी विल एड सेफ्रोनिन सॉल्यूशन दैट इज स्टेनिंग सॉल्यूशन. स्टेन मीन्स दैट इज डाई. हम डाई को ऐड करेंगे एंड आफ्टर दैट वी विल कवर इट विद द हेल्प ऑफ अ कवर स्लिप. एक ऐसे छोटा सा ट्रांसपेरेंट ग्लास टाइप ग्लास का बना होता है एंड इट इज़ वेरी फाइन. वी विल कवर दिस पोर्शन विद द हेल्प ऑफ कवर स्लिप. बट कवर स्लिप शुड बी पुट ऑन विद द हेल्प ऑफ नीडल सो दैट. एंड नीडल से भी किस तरीके से यू कैन से, जब हम इसके ऊपर कवर स्लिप रखेंगे, दिस इज कवर स्लिप एंड दिस इज स्लाइड एंड स्लाइड के ऊपर रखा हुआ है एपिडर्मिस. तो हम इसको नियर अबाउट 45 डिग्री एंगल पर सेट करेंगे एंड स्लाइडली विद द हेल्प ऑफ नीडल वी विल प्लेस दिस कवर स्लिप टू अवॉइड एनी एयर बबल्स. एयर बबल्स अगर आ गए तो इट विल नॉट बी ईजिली ऑब्जर्वड अंडर द माइक्रोस्कोप. There will be air bubbles. Now observe the slide under the low microscope power, magnification power, and then under high and low and high, because there are lenses. These are objective lenses. यहाँ पर objective lens होते हैं. You can adjust these objective lens on the slide. किस तरीके से, वट इज़ द डिफरेंस बिटवीन दीज टू और देयर कैन बी थर्ड वन. मैग्नीफिकेशन पावर. मैग्नीफिकेशन पावर का मीनिंग होता है कि हम कितना मैग्नीफाई करके देख सकते हैं. लाइक देर इज़ अ ऑब्जेक्ट, हम इसको देखना है लाइक 10x, 10x 10 गुना ज़्यादा हमें बड़ा नज़र आएगा. देन 45x, 45 times, then like similarly there will be 100x. So last line meaning is the slide will be observed under low power magnification, then we will set up in the high power magnification. And which type of microscope is used? Compound microscope. Then there will be observation, onion peel cells will be observed like this. First of all, onion peel is removed from onion, and onion it is a plant product, and plant cells have cell wall. There will be presence of cell wall. Inside cell wall there will be cell membrane, and this is nucleus. Here fluid filled is cytoplasm, this space is vacuole. So vacuole, nucleus, cytoplasm, cell membrane and cell wall. This
was the observation in this experiment, or you can call it activity, the cells of onion pill. Okay, thank you.